अस्सलाम वालेकुम। आज कुकिंग बट स्पेशल मेरा मैंगलोरी स्टाइल वाला नींबू राइस। शायद मैंने पहले आपको बताई हो कि नहीं बताई हो पर पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबको पसंद आता है कि नींबू राइस, मैंगलोरी नींबू राइस। सबको पता है कि मैंगलोरी नींबू राइस इज़ फेमस डिश। तो मैं आप आज बना रही थी, ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ कि खिचड़ी पुलाव ये वो सब बनाते रहती हूँ। तो ये भी मेरा एक राइस का ही मतलब वैरायटी है और मैंगलोरी स्टाइल वाला है। तो मैं बहुत खुशी खुशी प्रेजेंट करती हूँ बिकॉज वो मेरे गांव की चीज़ होती है। तो चलो मैं आपको अभी ये चीज़ दिखा रही हूँ, पर हालांकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें और बहुत छोटा सा प्रोसेस रहता है और जो आपके घर में अवेलेबल है वही चीज़ों से ये बनता है। तो और खाने में एक नंबर टेस्टी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है जैसे कुछ बाज़ार के लिए समथिंग, आज का माहौल थोड़ा इसी टाइप चल रहा है, तो आप ऐसे में भी एक अच्छी चीज़ को बनाकर खा सकते हो और सस्ती और अच्छी। तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको ये चीज़। देखो मैंने राइस धोकर भिगा ली हूँ। मैंने हमेशा आपको बताई हूँ जितनी क्वांटिटी उसका डबल पानी, और इसमें बघार में ज़रा सा प्याज चॉप किया हुआ और हरी मिर्ची आप ज़्यादा चाहो तो डाल सकते हो, टेस्टी लगता है। और उसके साथ तो कड़ी पत्ता, तो इसकी जान होती है कड़ी पत्ता राई। और देखो ये अभी मैं नींबू का रस निकालने वाली हूँ और उसके साथ में ये डालिए बघार के लिए। डालिए होते कोई सींग भी डालना पसंद करते बट ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो और हल्का सा उसमें से हल्का बिल्कुल हल्का जैसे ये वाला कलर का राइस होता है, नॉट ज़्यादा पीला। तो मैं आपको उसका प्रोसेस आगे का पूरा दिखाऊंगी। अभी राई भी निकाल रही हूँ और आपको हल्दी भी दिखाती हूँ। चलो मैंने हल्दी भी निकाल ली हूँ और ये राई भी निकाल ली हूँ और अभी मैं इसको बनाने का पूरा तरीका आपको बताती हूँ। चलो अभी मैं प्रोसेस शुरू कर रही हूँ कि नींबू राइस कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुकर रखी हूँ, क्योंकि आप चाहो तो टोप में भी बना सकते हो बट कुकर में जिसको अंदाज़ा रहता है तो वो अपने अंदाजे से बना लेता है। बट एक स्पेशल आपको एक बात बोलना चाहूँगी, नींबू राइस कभी भी आप नरम मत होने देना राइस को, कभी भी ऐसे खुले खुले एकदम दाने इसके खुले खुले होने चाहिए तभी उसका टेस्ट होता है। कभी भी आप राइस में पानी ज़्यादा होने मत देना, खास करके नींबू राइस में, नहीं तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। अभी मैं चलो इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप ऑयल भी ज़्यादा मत डालना क्योंकि वो ऑयल ऑयल लगेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। देखो अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दी हूँ, अब आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको, ठीक है। और ये मैं क्या कंटिन्यू वीडियो कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा डल हो रहा है, कभी अप हो रहा है, तो वो क्या मैं बंद नहीं करना चाहती हूँ, आपको पूरा साथ में ही प्रोसेस बताना चाह रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में अप डाउन होगा तो उसके लिए सॉरी। तेल गरम हो रहा है जब तक मैं नींबू का रस निकाल रही हूँ ताकि अपने को कोई चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़े। तो आप पहले नींबू का रस निकाल के रेडी कर लीजिए। तो मैं ऑलमोस्ट तीन तीन नींबू ले रही हूँ, जितना मुझे खट्टा खाने का शौक है उतने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से, तरीका मैं बता रही हूँ बट जो भी सामान लगेगा वो आप अपने अंदाज से, जितना राइस लेंगे उसके हिसाब से आपको कितना खटास पसंद है और उसके साथ में आपको कितना चटपटा मतलब मिर्ची कितनी डालनी चाहिए वो आप अपना अंदाज यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो मुझे मिर्ची कम लगती है, खट्टा राइस ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ में ना आप अगर पापड़ जैसे चावल के पापड़ है, दूसरे पापड़, कोई भी पापड़ आप फ्राई करो ना तो एक नंबर लगते हैं। नींबू राइस के साथ पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बघार में तो आप ये भूलना नहीं है, ये बहुत इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जान है, समझ गए ना। चलो अभी ऑयल गर्म हो गया, आप देख सकते हो। चलो माशाल्लाह मुझे वीडियो बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं ये राई डाल रही हूँ। आई आवाज़ आ गई। अब उसके बाद में मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। आई आवाज, यस आई। और मैं आपको खुशबू सिर्फ महसूस करा सकती हूँ, बाकी कुछ और नहीं बोल सकती हूँ।
इसके साथ में मैं राइस सॉरी प्याज और हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। आई आपका आवाज माशाल्लाह, बहुत खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हो क्या बना रहे हैं, नींबू राइस हो गया तेरा खा के, बहुत अच्छी खुशबू। देखो अमीन आया, अमीन देखना अप डाउन हो रहा है, खुशबू आ रही है। अमीन आपकी जरा बॉडी तो शो करो, कुछ भी नहीं है अभी तो। नहीं अभी होगी होगी इंशाल्लाह होगी, मेहनत करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करते। तो मेरे को मेरे अल्लाह पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही ना माशाल्लाह। आप ही देखो, आप ये साथ में ये भी डाल दीजिए ताकि ये रोस्टेड हो जावे। और इसी के साथ ही आप हल्दी भी डालना, क्योंकि हल्दी की जो कच्चापन की जो स्मेल होती है ना वो भी चली जानी चाहिए। तो हल्दी मैंने आपको बताई थी, हल्दी ज़्यादा नहीं चाहिए, जस्ट चुटकी भर हल्दी डालना, बिकॉज खाली उस पर लेमन कलर आना चाहिए, नॉट पीला कलर। ठीक है, ये हो गया लेमन कलर वाली हल्दी का प्रोसेस। अब ये मैं थोड़ा देर भूनूंगी, तो एक दो मिनट के बाद फिर से आपको कनेक्ट करूंगी। देखो ये बघार वाला काम सारा रेडी हो चुका है। आप इसी के साथ साथ नींबू, मैंने चार नींबू ऐड करी हूँ, आप चाहो तो आपके हिसाब से डाल सकते हो। ये हो गया, चलो मैं अभी इसके अंदर डायरेक्ट राइस ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ फिर नमक की क्वांटिटी डालूंगी। राइस डालने के बाद पानी डालने के बाद पता चलेगा कि इसमें नमक कितना लगेगा। बाकी ये ऑलमोस्ट सारा रेडी हो चुका है नींबू राइस बनने के लिए। ठीक है, अभी मैं पहले पूरा सब उसके अंदर ऐड कर लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। चलो मैंने जितना राइस ली आज, मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ पानी पे क्योंकि ये राइस में बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा मत डालना आप। अगर ये थोड़े भी नरम हो जाएंगे तो इसका टेस्ट वैसे नहीं आएगा जैसे इसका टेस्ट आना चाहिए। मैंने एक वाटी चावल लिए थे तो मैंने इसके अंदर सवा दो वाटी पानी डाली, बिकॉज मेरे राइस पुराने हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा लगती है। तो आप अपने राइस के हिसाब से भी करना, लेकिन ज़्यादा करके क्वांटिटी यही रहती है कि एक वाटी अगर राइस है तो दो वाटी पानी लगता है। तो चलो अभी मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। देखो ये मेरी राइस पूरे ऑलमोस्ट तैयार होने के इस पर ही है, खाली अभी इसकी दो सीटी होनी बाकी है, तो मैं आगे का आपको बताती हूँ। ठीक है, एक बात बोलूँ, अगर आपके घर में ये नमक है सी नमक जाड़ा वाला रॉ नमक, अगर ये है तो आप ये ऐड करना, ये बहुत टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। वैसे तो हम लोग रिफाइंड वाला ही नमक यूज़ करते हैं, सबके घर में मोस्टली वो रहता है। बट ये और एक बात बताओ आपको, ये घर ये नमक घर में रखना सुन्नत भी होता है और बरकत भी होता है, तो आप ये नमक भी यूज़ कीजिए, माशाल्लाह बहुत टेस्ट आएगा। और आगे का मैं ये सब करने के बाद आपको दिखाती हूँ। चलो अभी मेरा नमक वगैरह सारा इसमें डाल के हो गया है, बस अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा इसका टेस्ट चेक चख लेती हूँ कि नमक और नींबू वगैरह सब सही है कि नहीं। बहुत टेस्टी एक नंबर लग रहा है, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करना नींबू राइस, बहुत मस्त लग रहा है एक नंबर। हाँ देखो मैं आपको नज़दीक से इसका रंग रूप दिखाना चाहती थी, ये देखिए बिल्कुल भी पीला कलर नहीं है, ये बनने के बाद एकदम लेमन कलर ही आएगा। तो ये साउथ में इसको लेमन राइस ही बोला जाता है, नींबू राइस तो हम लोग बोलते हैं ताकि लोगों को समझे, बट मोस्टली इसको लेमन राइस बोलते हैं। इसमें लेमन ऐड होता है और लेमन कलर का ही होता है ये। देखो लेमन राइस के साथ मैंने चटपटा कीमा बनाई हूँ और यहाँ पे पराठे, और सुबह मैंने मूंग के हुए भजिए बनाई थी, तो ये देखो ये बचे हुए हैं, बट उसके नीचे पराठे रेडी करके रखे, तो हमारा आज यही खाना होगा। देखो ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया, जैसे ही ये पकने लगेगा तो आप सीटी लगा दीजिए। और चलो अभी ये जैसे पकने लगेगा तो सीटी लगाऊंगी मैं, दो सीटी पूरी होने के बाद तीसरी सीटी में इसको मैं बंद कर देती हूँ कुकर, तो मेरा राइस एकदम रेडी हो जाता है और खाना तो मेरा रेडी है। अब मेरे अमीन ने तो खाना खा लिया, अमीन ने खाना खा लिया भाई साहब ने। और एक बात बताऊँ, आज बनाऊँ या कल बनाऊँ, बट रेसिपी तो 100% आपको बताऊँगी, वो है मकर संक्रांति की स्पेशल तिल के लड्डू।
देखो मैं सारा सामान लाकर रखी हूँ। मुझे विदाउट पॉलिश वाली तिल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये चिकी का गुड़ है, और ये छिलके वाली तिल, और ये पॉलिश वाली तिल है। तो ये दोनों मिलाकर मैं एक लड्डू बनाने वाली हूँ, और बिना बिना पॉलिश की तिल की एक लड्डू बनाने वाली हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे सबसे फेवरेट मगज ये है, ये मैं बहुत खाती हूँ। पम्पकिन सीड बहुत मुझे पसंद है। चलो अपने राइस भी अब ऑलमोस्ट ढक्कन लगाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो मैं पहले इसको ढक्कन लगा लेती हूँ। मैं देखो आपको सारा प्रोसेस दिखाती हूँ, कोई भी ज़रा सा भी मिस नहीं करती हूँ, ताकि आपको समझने में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए मैं आजकल लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज कुकिंग का लॉन्ग वीडियो में सारा प्रोसेस ऐड हो जाता है, और इसी बहाने मुझे आप लोगों के साथ में थोड़ा बात करने को ज़्यादा मिलता है, तो मुझे ज़्यादा खुशी रहती है चीज़ों की। अब मैंने देखा कुकर लगा दी हूँ, अब हमारा लंच रेडी हो गया, हो जाएगा आई थिंक 10 मिनट्स में तो हो ही जाएगा। फिर हम लोग खाना खाने बैठेंगे, इंशाल्लाह मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ वीडियो, ज़्यादा करके तो कोशिश करूँगी कि आपको उसकी शक्ल दिखा सकूँ। और इंशाल्लाह चलो अब मैं यहाँ ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ इंशाल्लाह, और जब मैं तिल का लड्डू बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी। कि मोस्टली ये तो सब गुजराती मराठी इनकी सारी फेवरेट डिश होती है, तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे तरीके से आपको दिखा सकूँ। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।